चंबा पठानकोट हाईवे का सुल्तानपुर के पास कार्य पूरा होने के बाद सुल्तानपुर चौक से पुराने रास्ते पर बस सेवाओं को बंद कर दिया गया है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को अब बस पकड़ने के लिए पैदल सुल्तानपुर से बालू या सुल्तानपुर चौक पर जाना पड़ता है। वहीं इस सड़क पर बस सेवा बंद होने से यहाँ स्थित दुकानों का व्यापार भी पूर्ण रूप से ठप पड़ गया है। अतः उनके प्रशासन से मांग है कि इस बारे कोई निर्णय प्रशासन द्वारा लिया जाए और लोगों की समस्या का हल किया जाए। इस बारे लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल SDM चंबा से मिला और उन्हें अपनी समस्या बारे अवगत करवाया। मेरा नाम राजन है और मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। आज हम SDM साहब के पास आए थे एक अपनी दिक्कत को लेके, रोड को लेके, जो NH का कार्य पूरा हुआ है उसके बाद बसेस और बड़ी गाड़ियाँ बाहर से ही आ जा रही हैं, तो उसकी वजह से बस ट्रक्स की वजह से तो कोई परेशानी नहीं, पर बसेस की वजह से परेशानी आ रही है आम जनता को। अंदर जो रहने वाले हैं, अंदर दो हॉस्पिटल भी आते हैं, कॉलेज भी आता है, स्कूल्स भी हैं, तो उस वजह से है कि अब उन्हें कम से कम 1 किलोमीटर का या तो सुल्तानपुर चौक पे आना पड़ता है या बालू जाना पड़ता है। तो बसेस अगर अंदर से चल पड़ेंगी, जाने वाली बसेस, तो ये दिक्कत उनकी कम हो जाएगी। और दूसरा जो परेशानी आ रही है यहाँ पे बिजनेस को भी काफ़ी इससे दिक्कत आई है जब से ये बसेस बाहर से आना जाना शुरू की हैं। तो बसेस अगर अंदर से चलेंगी तो बिजनेस को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा और अंदर के जो लोग रहने वाले हैं लोकल, उन्हें भी अपने डोर स्टेप पर बस मिल जाएगी तो उन्हें भी दिक्कत कम आएगी। और जो अंदर राणा हॉस्पिटल है, आशीर्वाद हॉस्पिटल है और क्लिनिक है, वहाँ भी जो रोगी जाते हैं अपने आप को चेक करवाने के लिए, उन्हें भी वहाँ हॉस्पिटल के आगे उतरेंगे तो उन्हें दिक्कत परेशानी कम आएगी। तो इसलिए हम SDM साहब के पास आए थे और SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस पर उचित जो निर्णय आएगा वो काम किया जाएगा। सर, SDM साहब से हम मिले हैं, हमारी जो दिक्कत थी, जो हमने जैसे कि बड़े भाई राजन जी ने भी बताया कि ऐसा है कि बसेस ना चलने की वजह से साधारण जनता को काफ़ी ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज मिला है कि जो लोग 2 कदम 10 कदम या 20 मीटर चलने पे बस ले लेते थे, उन्हें 1.5-2 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ रहा है। और ऐसा है कि यंगस्टर तो चल लेते हैं सर, बुज़ुर्गों और बच्चों को दिक्कत आती है। और साथ ही साथ हम जैसे दुकानदार जो हैं, जो कि किराए पे अपनी सुल्तानपुर में बैठे हैं, कि हमें भी अपना दिनचर्या हमारा काफ़ी दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। सर, हम आशा करते हैं कि वन वे की ट्रैफिक किया जाए एक तरफ से, जिससे हम अपना कारोबार ढंग से चला सकें और जिससे कस्टमर और हमारे जो सवारियां हैं, बस की सवारियां, उन्हें भी लाभ मिलेगा। आप सर SDM साहब से मिले, उन्होंने आपको क्या बताया? सर, SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और 2 या 4 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा।